गोरक्षनाथ मंदिर में भी भव्य तरीके से मकर संक्रांति मनाई जा रही है। अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की भूमिका में नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाई, इसके बाद दूसरे श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इस मौके पर होने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेले के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। यहाँ की सुरक्षा के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं, तो वहीं लोगों से पॉलिथीन में खिचड़ी ना लाने की अपील की गई है। तो यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक का भी काफी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जो खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं वो खिचड़ी को प्लास्टिक की थैली में ना लाएं। तो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर खिचड़ी चढ़ा रहे, क्योंकि इस दिन खिचड़ी का अपना एक अलग महत्व माना जाता है। तो खिचड़ी से ही भगवान को भोग लगाया जाता है। तो पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई गई, भगवान को इसका भोग लगाया गया, और उसके बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगातार जुटा हुआ है। तो मकर संक्रांति की धूम जो है वो यहाँ पर किस तरह से देखने को मिल रही है ये आपको मिल रहा है। तो गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी से भगवान को भोग लगाया। सीएम योगी ने नेपाल के राजा की खिचड़ी यहाँ पर भोग लगाई। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के मित्रों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। यह जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। इस चराचर जगत में जहां भी जीव सृष्टि है जगत पिता सूर्य के कारण है। उनकी उपासना का पर्व होने के नाते सबके जीवन में जीवंतता आए, एक नए उमंग एक नए उत्साह के साथ सभी लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकें, मैं इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं।